चने को मैंने रात भर भिगो दिए थे। अब कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया है, हल्दी डालते हैं, नमक डालकर 4 से 5 सीटी बजा लेते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो आलू डालते हैं। आलू में जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक हम पका लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 इंच अदरक है, 1 तेज पत्ता है, 4 लवंग है और ये है जीरा पाउडर। सभी को मिक्स करके एक मिक्सी जार में पेस्ट बना लेते हैं। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं तो निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में हम फिर से सरसों का तेल डालेंगे, कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन होने लगे हैं, इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे क्योंकि जो हम चना छोले बना रहे हैं उसमें प्याज की मिठास होनी चाहिए। चने को उबालते समय मैंने हल्दी डाला था, लेकिन थोड़ा सा हल्दी ग्रेवी के लिए, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, अपने तीखे के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करते हैं। धनिया पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है तो जो हमने टमाटर और मसाले पीसे थे ना उसे डाल देते हैं। टमाटरों को और मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और टमाटर जब तक हमारे पक नहीं जाते इन्हें हम ढककर 5 से 10 मिनट तक पका लेते हैं। टमाटर हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है तो गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ, एवरेस्ट का है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। छोले हमारे थोड़े से खट्टे बने इसलिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। चटपटा स्वाद देने के लिए काला नमक का पाउडर डाल रही हूँ। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और मसालों ने कढ़ाई भी छोड़ दिया है। चने को हमने ये देखिए कितने मक्खन की तरह ये मैश हो रहा है, इस तरह उबाल लिया है। उबले हुए चने डाल देंगे पानी के साथ ही, हिला लेते हैं। आलू को जो फ्राई किया था ना उसे डाल देते हैं, खूब सारी हरी धनिया डालेंगे, मिला लेते हैं, ढक देते हैं और 5 मिनट तक भाप आने देते हैं। ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो छोला चना मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।